भीष्म पितामह जिनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान है, तुम्हें यह मालूम नहीं दुर्योधन, तुम्हारी लैक ऑफ इंटेग्रिटी और कैरेक्टर के चलते भीष्म पितामह तुम्हारे साथ युद्ध कर रहे हैं, पर दिल से वो आज भी पांडवों के साथ खड़े हैं। दुर्योधन की मानसिकता देखो, उनको पांडवों की टीम में कोई नहीं दिखा, उनको यह भी नहीं दिखा कि त्रिलोकीनाथ सर्वलोक महेश्वरम स्वयं श्री कृष्ण वहां बैठे हैं। जब तक आपको सामने वाले की डेप्थ, उसकी सप्लाई चेन की, उसके सप्लाईज की और उसके सप्लायर की नहीं पता चलेगी तो आपको समझ नहीं आएगा कि वो लड़ेगा कितना लंबा। Ignoring to listen when it is most needed to listen. आप इतने अच्छे नहीं हो जितना अपने आप को अच्छा समझते हो, और सामने वाला इतना कमजोर नहीं है जितना आप उसको कमजोर समझते हो। ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की। तो स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। भगवद गीता का पहले अध्याय का 10वां श्लोक। तो क्या श्लोक है, आप मेरे पीछे दोहराएंगे। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। क्या कहते हैं यहाँ पे, दुर्योधन कह रहे हैं अपर्याप्तम, मेरी जो सेना की ताकत है वो क्या है, अनलिमिटेड। पर्याप्तम मतलब लिमिटेड, अपर्याप्तम मतलब अनलिमिटेड बलम। और क्यों मैं अपर्याप्तम अनलिमिटेड स्ट्रेंथ के साथ आया हूं, दुर्योधन हूं मैं, मालूम है ना। किसको बोल रहे हैं, द्रोणाचार्य को। द्रोणाचार्य भी सोचते होंगे पता नहीं कैसा शिष्य पाल लिया मैंने कहां से आ गया ऐसा शिष्य। और बता रहे अपर्याप्तम, युद्ध हो रहा है सामने, दुर्योधन तैयारी का, टीम को इंस्ट्रक्शन देना, इंस्पायर करना, तो लगा हुआ अपनी तारीफ करने में। और क्या कह रहे हैं, कह रहे क्योंकि भीष्माभिरक्षितम, मेरे पास भीष्म पितामह है। यह बात ठीक है क्योंकि भीष्म पितामह बहुत शक्तिशाली है। भीष्म पितामह के पास उनको सारे के सारे मिलिट्री आर्ट्स में, इकोनॉमिक आर्ट्स में, वॉरफेयर में, पॉलिटिकल साइंस में, सब में एक्सपर्ट थे। वो खुद ही एक देवता, 33 करोड़ देवताओं में से एक है वो भीष्म पितामह। और बता रहे हैं भीष्म पितामह में क्योंकि उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप सबको जानकारी होनी चाहिए। और फिर सामने क्या कह रहे हैं, पर्याप्तम इदम एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हमारा तो अपर्याप्तम, उनका पर्याप्तम, मतलब उनकी ताकत लिमिटेड। हाथागिलाई क्यों, कह रहे हैं उनके पास ले दे के खाली भीम है। दुर्योधन क्या बोल रहे हैं, उनके पास ले दे के खाली है। हमारी टीम तो इतनी बड़ी, पीछे हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, और इनकी टीम में देखो कोई है ही नहीं, भीम है खाली। ले दे के इन्होंने केवल भीम का नाम लिया। लेट्स रीड द ट्रांसलेशन। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सबके पास पितामह द्वारा भली भांति हम संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति देख लो, वो तो केवल भीम है। उनको पता है भीम क्यों याद है, भीम भी ना बोलते वो श्लोक में दुर्योधन, भीम भी उनको इसलिए याद आया क्योंकि बचपन में उन्होंने भीम से खूब कुटाई खाई थी। इस चक्कर में केवल भीम याद आया उनको, अर्जुन याद नहीं आया, युधिष्ठिर याद, कोई याद नहीं। अर्जुन, अर्जुन है भाई, तुम्हें अर्जुन याद नहीं आ रहा है, वो इसलिए है क्योंकि ना जो एक्सट्रीम इमोशन होता है वो कभी भूला नहीं जाता है। अब वो बचपन में जो जो हाल भीम करते थे, इधर उठा पटक, उधर उठा पटक, हर खेल में वो जो अपने खेल खेलते थे, कुश्ती कराते थे उनको, उसमें भी भीम मौका ढूंढते थे कि इसको उठा के पटकू में दुर्योधन को। वो उस चक्कर में उसको कोई याद नहीं रहा। आप सबको याद है अमेरिका में ट्विन टावर में जो अटैक किया, कौन से साल में किया, 9/11। मुंबई में कब किया, 26/11। क्यों, एक्सट्रीम इमोशन है, याद रहता है। इंडिया श्रीलंका से वर्ल्ड कप क्रिकेट दूसरी बार जो फाइनल में वर्ल्ड कप जीता, कौन से साल में जीता, पहली बार कब जीता, 83। हाथा के लाइए, एक्सट्रीम इमोशन, एक्सट्रीम इमोशन याद रहता है। अब ये भाई साहब परसों रात को क्या खाना खाया इनको याद नहीं, किसी को याद नहीं, लेकिन आज से 10 साल पुराना, 20 साल पुराना इंसिडेंट आपको याद है। 26/11, 9/11, क्या मेरी बात समझ आ रही है। परसों आपने क्या कपड़ा पहना आपको याद नहीं, लेकिन 12 साल 20 साल पुराना इंसिडेंट किसी ने आपकी बेइज्जती करी होगी तो हर एक को याद होगा। यस नो, वही भगवद गीता में आ गया। आज वही दुर्योधन का हाल दिख रहा है। मैं भी सोच रहा था कि दुर्योधन की मानसिकता देखो, उनको पांडवों की टीम में कोई नहीं दिखा, उनको ये भी नहीं दिखा कि त्रिलोकीनाथ सर्वलोक महेश्वरम स्वयं श्री कृष्ण वहाँ बैठे हैं, उनको वो भी नहीं दिख रहा है। उसको खाली भीष्म पितामह अपनी साइड से दिख रहे हैं, हल्के में ले रहे हो। That's the problem with दुर्योधन मानसिकता। ये जो है ना, इसको बोलते हैं प्लेइंग माई फेवरेट ट्रैप, सेंटर स्टेज ट्रैप बोलते हैं, सेंटर स्टेज ट्रैप। ये पता है क्या ऐसे होता है सेंटर स्टेज ट्रैप? ये ऐसे होता है कि जैसे सरपंच है, सरपंच गांव में होता नहीं होता, सरपंच को चार लोग माला ज्यादा पहना देते हैं तो उसके मन में ऐसा आ जाए कि अब तो मैं प्रधानमंत्री को हराऊंगा इलेक्शन में। तो दुर्योधन का ऐसा ही हाल था, है कि नहीं? और उनको लगा प्रधानमंत्री कोई है नहीं, खाली भीम है वहाँ। इसको बस भीष्म पितामह की तरफ देख के इशारे में बोल भी दिया, भीम को निपटा दो, बाकी सबको मैं देख लूँगा। आज भी उसको भीम का डर है, उसको पता है इसको नहीं छेड़ पाऊंगा मैं। इसीलिए कोई आदमी घबराहट में एक ही का नाम लिया ना, टेंशन में नाम एक ही का निकला, किसी और का निकल नहीं रहा नाम। दिस इज कॉल्ड वाटरलू ट्रैप एंड दिस इज हाउ वी मिस आउट। ये क्या इमोशन पे चल रहा है, वो मिस्ड आउट। इतना ऑक्यूपाइड है वो अपने ग्लोरिफिकेशन में कि कंपटीशन को एसेस नहीं कर पा रहा। उसको ये समझ नहीं आया कि जो भीष्म पितामह जिनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान है, तुम्हें ये मालूम नहीं दुर्योधन, तुम्हारी लैक ऑफ इंटेग्रिटी और कैरेक्टर के चलते भीष्म पितामह तुम्हारे साथ युद्ध कर रहे हैं, पर दिल से वो आज भी पांडवों के साथ खड़े थे। वो चाहते ही नहीं थे कभी पांडव हारे, वो चाहते थे पांडव जीते। अंदर से भीष्म पितामह हमेशा चाहते थे पांडव जीते, कृष्ण को प्रणाम करते थे वो। तो ये कंपटीशन एनालिसिस करना ना कर पाना कि कंपटीशन इतने दिन में उसको क्या लगा दुर्योधन को, हम लोग राज्य में, हम लोग सत्ता में, हम लोग पावर है, हम एस्टैब्लिशमेंट है, ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, ये इनके पास पावर है नहीं, ये बहुत दिनों से वनवास के बाद आ रहे हैं लौट करके, अज्ञातवास के बाद आ रहे हैं लौट के, इनके पास क्या है? ना सेना थी, ना ताकत था, ना धन था, ना ऐश्वर्य था, ना कुछ था। ये पांच पांडव जंगल से घूमते फिरते आके थोड़ी बहुत टीम बना के खड़े हो गए, केवल भीम है। दुर्योधन ये समझ नहीं पाया कि इतने दिन में ये कितने स्ट्रैटेजिक अलायंस करके आए हैं, वो समझ नहीं पाया कि इतने दिन में ये कितने राज्यों के साथ पार्टनरशिप करके आए हैं, वो समझ नहीं पाया इतने दिन में कितनी इंटरनेशनल अलायंसेस को साथ में लेकर के आए हैं पांडव। वो समझ नहीं पाया कि स्वयं श्री कृष्ण ने वहां पर जो उसने खुद बहुत बड़ी गलती करी, जब कृष्ण अपने शयन कक्ष में आराम कर रहे थे और ये डिसीजन होना था कि कृष्ण किसकी तरफ होंगे, तो दुर्योधन पहले वहां पहुंचे, थोड़ी देर उनके चरणों के पास बैठे रहे और सोचे मैं राजा तो मैं हूं, क्यों चरणों पे बैठूंगा, सर के पास चले गए। इतने में अर्जुन बाद में आए और दोनों वेट करे कि भगवान की नींद खुले तो उनसे बात करे। भगवान की नींद खुली तो भगवान ने पहले अर्जुन को देखा, सामने मेरे चरणों में बैठा है। दुर्योधन ने कहा पहले मैं आया हूं, बात पहले मैं करूंगा। बोले आप पहले आए हो, लेकिन अहंकार के चलते आप आके मेरे सर के पीछे बैठ गए, वो मेरे चरणों में बैठा है, तो पहले बात करने का अवसर अर्जुन को दिया जाएगा। अर्जुन बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें मेरी नारायणी सेना चाहिए या मेरा मॉरल सपोर्ट चाहिए? दुर्योधन टेंशन में वो बहुत टेंशन में, ये नारायणी सेना ले गया तो मेरा गेम ओवर ना हो जाए। ले दे के पांडवों के पास तो कृष्ण की सेना आनी थी और कुछ था नहीं। उसका कंपटीशन एनालिसिस इतना कमजोर। क्या होता है, स्टार्टअप आता है, सोचता है बाजार में मैं भी यूनिकॉर्न हो जाऊंगा, अभी रातों रात यूनिकॉर्न हो जाऊंगा। क्या आप बात कर रहे हैं, ऐसे फंडिंग आ रही है, बाहरी तो खड़ा चेक ले करके ये सोच करके जो है अपना कूद जाते हैं बाजार में। देखते नहीं, प्रोडक्ट को समझते नहीं, मार्केट की प्रॉब्लम को समझते नहीं, कंपटीशन को समझते नहीं और अपना सेल्फ ग्लोरिफिकेशन में आ गए और ये समझाने में लगे कि मैं कितना इंटेलिजेंट प्रोडक्ट लेकर के आऊं, मेरा आइडिया स्टार्टअप का देखो। और वही दुर्योधन ने वहां पे टेंशन में आ गया, अर्जुन मांग लेगा। तो जब पूछा भगवान ने क्या चाहिए अर्जुन तुमको, तो उन्होंने कहा कि भगवान मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे स्वयं नारायण चाहिए। मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे स्वयं नारायण चाहिए। उधर से दुर्योधन मंद मंद मुस्कुरा रहा, बहुत बेवकूफ निकला है, इतना मंद बुद्धि होगा अर्जुन, मुझे मालूम नहीं था। तो यार दुर्योधन चेक भी कर लिया, भगवान आप क्या करोगे इनकी तरफ से, आप तो मॉरल सपोर्ट दे रहे हो। तो उन्होंने कहा हाँ अर्जुन ध्यान रखना, मैं युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मैं खाली बैठूंगा, कोई गाइडेंस चाहिए हो तो ले लेना, कहो वो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा ड्राइवर बन जाऊंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करने वाला मैं। तो अर्जुन ने कहा भगवान जिसके पास आप आ गए उसके पास सब आ गया, मेरे को आपकी मेंटरशिप, आपकी गाइडेंस, आपकी कोचिंग, आपकी टीचिंग, आपकी एडवाइस चाहिए बस। आपकी शक्ति आ जाए तो सब हो जाएगा। दुर्योधन को एक्चुअली लग रहा था कि जब भगवान ये बात बोल रहे हैं ना कि भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा, अर्जुन दोबारा कंसीडर कर लो अपने डिसीजन को, मैं केवल तुम्हारे साथ रहूंगा, एडवाइस दूंगा, युद्ध नहीं कर। तो दुर्योधन दोबारा टेंशन में आ गया, भाई अर्जुन डिसीजन ना बदल दे कहीं। और अर्जुन डिसीजन नहीं बदला, अर्जुन टिका रहा। अर्जुन बोला भगवान आप ही चाहिए, नारायणी सेना में क्या करूंगा जिसके पास नारायण है, सेना तो उसी की बनाई हुई है, वो इस सेना को दोबारा बना देंगे। दुर्योधन के साथ दुर्योधन एकदम खुश छलांग मारा। दुर्योधन ने बोला अब तो भाई देखो बची कची कृष्ण की सेना उनको मिलनी थी, वो भी हमारे पास आ गई। तो वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी ऑफ लिमिटेड सेल्फ रिफ्लेक्शन। इतना लिमिटेड सेल्फ रिफ्लेक्शन है हमारा। द ओपिनियन दैट हाउ आई एम बेटर देन द अदर पर्सन, इसको बोलते हैं अबव एवरेज सिंड्रोम। इसको बोलते हैं अबव एवरेज सिंड्रोम। ये कॉग्निटिव बायस है जो आपको ओवर एस्टिमेट करता है और सामने वाले को अंडर एस्टिमेट करा देता है। यू आर नॉट गुड एट जजिंग अदर पीपल एंड एस्टिमेटिंग देयर स्ट्रेंथ एंड पावर, सो यू बिकम मोर प्रोन टू मेकिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। दैट्स दुर्योधन। इनएक्यूरेट इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क, वो रिस्क को इवैल्यूएट नहीं कर पाया दुर्योधन कि सामने वाले क्या क्या तैयारी करके बैठे हैं। वो अपनी टीम की तारीफ कर रहा है और ये अंडर एस्टिमेशन जो था इसने फंसाया, क्योंकि अभी तक केवल अपनी तारीफ कर रहा था, अब यहां ये भी बता दिया कि सामने वालों में तो केवल भीम बैठा, वहां कोई है ही नहीं। यही कारण है एवरी सेकंड बिजनेस इज फेलिंग इन फर्स्ट 5 years। हे गाइस, वन मोर टाइम, एवरी सेकंड बिजनेस इन इंडिया इज फेलिंग इन फर्स्ट 5 years। पहले 5 साल में हर दूसरा बिजनेस जाके खत्म हो जाता है, यानी कि 50% बिजनेस पहले 5 साल में खत्म हो रहे हैं, जबकि पुराना डेटा क्या है 2016 का कि 90% बिजनेस हर 5 साल में खत्म हो जाते हैं। और वो क्यों है? क्योंकि आप राइवल्स को नहीं समझ रहे और कंज्यूमर को नहीं समझ रहे। देखिए ये एनालिसिस कैसे होता है। एक तो होता है इररेगुलर एनालिसिस, आप रेगुलरली नहीं एनालिसिस कर रहे हैं कि इतने दिन में अपने गुप्तचर भेज के देखे कि पांडु के पुत्र क्या क्या करके आए हैं। यू शुड हैव सेंड योर टीम कि पिछले 1 साल में पांडु के पुत्रों ने किया कि आप तो लाक्षागृह में लगे, आपको इंटेलिजेंस नहीं। या फिर टू नैरो एनालिसिस और टू वाइड एनालिसिस। टू नैरो एनालिसिस मतलब अपनी तारीफ करते जा रहे हैं, और टू वाइड एनालिसिस मतलब आप एक्चुअली एसेंसी मिस कर गए। इतना दूर से इतना बड़ा बड़ा, इतना दूर से इतना हेलीकॉप्टर व्यू देखा कि आपको एक्चुअली समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, पीछे टीम कितनी है और कितनी डेप्थ है और कितनी विड्थ है और क्या वाइड असॉर्टमेंट है कि डीप असॉर्टमेंट है कि स्क्रैम्बल्ड असॉर्टमेंट है, आपको समझ ही नहीं आया। ये सारे डेंजरस है। आपको ये पता नहीं कि सामने वाली टीम की लिक्विडिटी क्या है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, वो कितना कैश रख के बैठा है। कंपटीशन जब जियो आया था बाजार में, इतना कैश लेकर के आया था कि सबका गेम ओवर किया उसने। आपको राइवल को समझना चाहिए कि एयरटेल इतनी बड़ी स्ट्रेंथ से केवल एयरटेल बचा, बाकी सबका मर्जर डीमर्जर और सबका गेम ओवर हो गया। आप जानते हैं जियो का सारा एक्सपीरियंस, कितने लोग तेजी से जियो पर स्विच किए। जब तक आपको सामने वाले की डेप्थ, उसकी सप्लाई चेन की, उसके सप्लाईज की और उसके सप्लायर की नहीं पता चलेगी तो आपको समझ नहीं आएगा कि वो लड़ेगा कितना लंबा। सप्लाई और सप्लायर्स, कितनी सप्लाईज है और कितने सप्लायर्स हैं, यानी कि आज पांडवों की सेना में कितना एम्यूनेशन और कितनी टीम है और कितने लोग पीछे से आ रहे हैं जो सप्लाई देते चले जाएंगे। चाणक्य पंडित ने धनानंद को समाप्त करने के बाद या उसी दौरान चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में मिलकर सिकंदर की टीम को उसकी सप्लाई काट के खत्म किया था। पोरस ने भी यही किया। Are you with me loudly? Yes, no? Yeah. पीछे से तो सप्लाई आ रही थी, उसको खत्म किया, आगे की टीम खत्म। योगेंद्र सिंह यादव जी के साथ एक वीडियो 15 अगस्त को दिया हमने और उसमें उन्होंने क्या बताया कि 21 घंटा लगता था मुझको पीछे बैकपैक लेकर के चढ़ने में, जाकर के कारगिल के युद्ध में, और हम 4 लोग जाते थे ताकि एम्यूनेशन और खाने का सामान ऊपर पहुंचाए, वो थी उनकी सप्लाई। और हमेशा कंपटीशन देखता है कि सप्लायर और सप्लाईज को खत्म कर दो, इसका गेम ओवर हो जाएगा। यहाँ दुर्योधन लगा हुआ था कि मुझको हल्के में ले रहे हो आप। दुर्योधन बिल्कुल भटका हुआ था, वो समझ नहीं पा रहा था। ब्लॉकबस्टर, ये वो कंपनी थी 1985 से 2010 में जाके बैंकक्रप्ट हुई। मैसिव बिजनेस, वीडियो गेम और होम मूवी रेंटल्स के अंदर सबसे बड़ा जायंट था दुनिया का। आपकी जानकारी के लिए 85,000 एम्प्लॉय थे, 10,000 आउटलेट पे काम किया करते थे ब्लॉकबस्टर में। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी ब्लॉकबस्टर। मूवी देखनी होती थी पहले, डीवीडी मिलती थी आपको, कैसेट मिलती थी, वीसीआर कैसेट लगाते थे, याद है आपको? टर्मिनेटर मूवी घर पे ला करके देखा करते थे हम। एंटर द ड्रैगन इंग्लिश मूवी इंडिया में नई नई लोगों ने देखनी शुरू करी थी उस समय। तो ब्लॉकबस्टर, इसके 10,000 स्टोर थे दुनिया भर के अंदर 2004 में, बता रहा हूं मैं आपको, अपने पीक के समय में। पर जो ट्रांजिशन डिजिटल मॉडल की तरफ चल रहा था वो नेटफ्लिक्स लेके आ रहा था। नेटफ्लिक्स सन 2000 में चालू कर चुका था कि डिजिटल तैयारी होगी आगे, क्योंकि इंटरनेट उस समय .com का जो बहुत तेजी के साथ जो ग्रोथ आ रहा था उसको 96 से ये समझ रहा था, और उसको समझ आया कि आगे चल के मूवी लोग सीधा इंटरनेट से देखेंगे। सन 2000 में इसके पास ऑफर आई थी नेटफ्लिक्स को खरीदने की केवल $50 मिलियन में। एक हमौन कितने में? चिल्लड़ थे, चिल्लड़ इनके लिए $50 मिलियन। और आज वही नेटफ्लिक्स डिजिटल रेवोल्यूशन के कारण $101 बिलियन पे है, और ये भाई साहब 2010 में बैंकरप्ट होके गेम से बाहर हो गए। इसका भी एनरॉन हो गया। क्या हो गया? एनरॉन हो गया इसका भी। ये ट्रांजिशन को नहीं पहचान पाना। जनरल मोटर, भाई साहब जनरल मोटर कितने साल चली मालूम आपको? दुनिया में 101 साल चली। 1908 में आई थी, 2009 में बैंकरप्ट हुई। क्यों जनरल मोटर बैंकरप्ट हुई? क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी में पैसा ही नहीं लगाया उसने कभी। अमेरिकन कंपनी, जायंट, इतना बड़ा जायंट, 100 साल से ज्यादा काम किया उसने, पर ब्लेटेंटली कंपटीशन को इग्नोर किया और नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं किया। और सबसे प्यारा उदाहरण जो आप सब जानते हैं, जिसकी आप रोज बात करते हैं, वो कौन था? नोकिया। क्यों नोकिया का गेम ओवर हुआ? सबसे बड़ा कारण क्या था? नोकिया को लगता था मेरी ब्रांड की रिकॉल बड़ी है, बस मैं लेट भी लाऊंगा, मोबाइल चलेगा, लोग फिर भी मेरे पास आएंगे। जितने में नोकिया एक मोबाइल की पीपीटी तैयार करता था, चाइना उतने में 3 मोबाइल निकाल के ले आता था। और वो कारण है, एक बार पोजिशनिंग खराब हुई, आज वापस नोकिया को उठने में कितनी दिक्कत आ रही है, ये हम सब जानते हैं। वुड यू एग्री विद मी? यस, नो? बस ये जो है ना, ये जो फीलिंग है कि मेरा ओवर एस्टिमेट करना अपने आप को। नोकिया का बार बार स्टेटमेंट क्या आता था कि मेरे ब्रांड का रिकॉल वैल्यू इतना स्ट्रांग है, मैं मोबाइल लेट भी लेके आऊंगा तो लोग मेरा ही लेंगे। और उसी के कारण गेम ओवर हुआ। इग्नोरिंग टू लिसन व्हेन इट इज मोस्ट नीडेड टू लिसन। जिस समय सबसे ज्यादा जरूरी है सुनना, तब भी आप नहीं सुनने को तैयार हो रहे, तो क्या सुनोगे भैया? आपका भी एनरॉन हो जाएगा। ट्राइंग, यू शुड लिसन टू द ट्रूथ when the truth is available, publicly available. ऐसे लोग क्या करते हैं? सेंटेंस कंप्लीट नहीं होने देते सामने वाले का, बीच में टोक के बोलते हैं, बीच में रोक के बोलते हैं। इनको ना कहते हैं सेल्फ हिप्नोटाइज्ड पीपल। ये सेल्फ हिप्नोटाइज्ड होते हैं। अब क्योंकि ये इतने सेल्फ हिप्नोटाइज्ड है, आप इनसे आर्ग्यूमेंट कर ही नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? तो इस अबव एवरेज सिंड्रोम से बाहर निकलने के लिए 2 चीजों का ध्यान रखना। यू आर नॉट एज गुड एज यू थिंक यू आर, एंड दे आर नॉट एज पुअर एज यू थिंक दे आर। आप इतने अच्छे नहीं हो जितना अपने आप को अच्छा समझते हो, और सामने वाला इतना कमजोर नहीं है जितना आप उसको कमजोर समझते हो। इसकी कम से कम तैयारी करके चलिए। इस दुर्योधन सिंड्रोम से बाहर कैसे आ जाए? लर्निंग करके। कैसे आ जाए? लर्निंग करके। रोज इन्वेस्ट करें अपने लर्निंग पे। दाया हाथ आगे लाइए, बोलिए आज से अपनी लर्निंग पे रोज समय लगाऊंगा। ये वचन लेना चाहिए, हर इंसान को ये वचन लेना चाहिए कि मैं ये वचन लूंगा, अपनी लर्निंग पर लगाऊंगा। किसी और को नहीं दे रहे हो भाई, अपने लिए कर रहे हो। शार्पनिंग द सॉ इसी को बोलते हैं। यही अब्राहम लिंकन बोलते थे, अगर मेरे को पेड़ काटने के लिए आरी दी जाएगी तो 8 घंटे में मैं 6 घंटा धार लगाऊंगा, और 2 घंटे में इतनी पेड़ काट दूंगा जितना कोई हिसाब नहीं जोड़ पाएगा। क्योंकि वो धार लगाना है, इसको क्या लगाना है? नहीं तो आप अपॉर्चुनिटीज को मिस कर जाओगे। एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट इतने बड़े जगरनॉट्स बनते ही नहीं अगर स्टीव जॉब्स के पास उसका स्टीव वॉजनियाक नहीं होता, और बिल गेट्स के पास उसका अपना पॉल एलन नहीं होता। नहीं तो स्टीव जॉब्स ये बोल सकता था, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, मैं ही सब कुछ हूं। नहीं बोला उसने, हमेशा स्टीव वॉजनियाक को साथ रखा, उसने पॉल एलन को साथ रखा। जब आपका कोच आपकी मदद करने को तैयार हो तो बिना बात के आर्ग्यू करने की आवश्यकता नहीं। सरेंडर करें, सुने, अपने मेंटर की शरण लें, ताकि वो लर्निंग अंदर रजिस्टर हो सके। दुर्योधन की मानसिकता से हमें सीखने को मिलता है कि हमें क्या नहीं करना है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की हो सके तो इस वीडियो को सब तक क्या करिए, शेयर करिए, ताकि ये वीडियो से हम लोगों को इंस्पायर कर सकें, वो अपने चरित्र को और अपने चित्र को बदल सकें, अपने जीवन को बेहतर बना सकें। इस भारत के यूथ को हमारे को नई दिशा देनी है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, इस वीडियो को सही लोगों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।